आप देखें दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हम ये भी हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी ज़रूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कल जो X में जो उनकी जो पोस्ट जो हुई थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से उनको उनके उनका स्वागत किया और अपने भावनाओं को प्रकट किया, तो वह कृपया आप उसको देख लें। सर, अगले 5 साल में चीन हो या पाकिस्तान हो, अगले 5 साल में दोनों देशों के साथ भारत के संबंध को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देश में और खासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को जरूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है। और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है, तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सोल्यूशन टू इट सो दैट कैन नॉट बी द पॉलिसी ऑफ अ गुड नेबर।